Hi everyone, I become international doctor and going to be live. Oh ji lo ji, to ban gayi main firangi doctor. Kaise? To suniye fir. Hi everyone, good morning. आज सैटरडे की सुबह है और काफ़ी सुबह है, अभी 6 बज रहे हैं सुबह के, और मैं ये न्यूज़ आप लोगों से रोक नहीं पा रही थी. मुझे लग रहा था बस ये मैं वीडियो किसी तरह से कंप्लीट करूं और आप लोगों को बताऊं कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ है. और बहुत अच्छी न्यूज़ है, आप लोगों को भी सुन के बहुत अच्छा लगेगा. अलिया, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, MD अपनी कंप्लीट की थी, तो मुझे ये लाइसेंस मिला था. ये प्रैक्टिशनर के लाइसेंस होते हैं, लाइफ टाइम लिखा है इस पर. यहाँ पर नीचे लिखा है वैलिडिटी, लाइफ टाइम लिखा है यहाँ पे. तो लाइफ टाइम का मिला था और मैं प्रैक्टिस कर भी रही थी. बहुत सारे पेशेंट हैं मेरे पास, रिसर्च चल रहे थे मेरे, नए नए इन्वेंशंस चल रहे थे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर किए लोगों से मैंने. लेकिन अभी कल आया मेरे पास सर्टिफिकेट. एक्चुअली वो वॉचमैन के पास था तो रात में देखे गए वो, और वो सर्टिफिकेट मेरा है इंटरनेशनल प्रैक्टिशनर का. ये लाइसेंस मुझे मिला है. अब मैं वर्ल्ड में कहीं भी पूरे दुनिया के किसी भी कोने में क्लिनिक खोल सकती हूँ. वहाँ उस देश के कुछ फॉर्मेलिटीज़ होंगे जो उनको मुझे पूरा करना होगा, बट मैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में ये खोल सकती हूँ. इसका मिला है और ये भी लाइफ टाइम वैलिडिटी, यहाँ पर लिखा है लाइफ टाइम वैलिडिटी. फोटोग्राफ नहीं लगे हैं क्योंकि ये कोरियर से आया है, उस समय मैंने नहीं भेजा था. बट ये ओल्ड मेरे सर्टिफिकेट्स हैं जो मैं इंडिया में प्रैक्टिस कर रही थी. तो ये एक साइड अटेस्ट था ये, जब मैं कर रही थी कि इंडिया में हम कर सकते हैं और प्रैक्टिस, और बाकी मैं व्हाट्सएप पे ही कर रही थी बाहर के लिए. लेकिन अभी जो सबसे अच्छी बात ये हुई है कि ये सर्टिफिकेट मुझे मिला है, हर स्टेट के इंडियन गवर्नमेंट के अटेस्टेड हैं पूरे, अगर आप देख पा रहे हो. तो ये बहुत सारे अटेस्टेशन के साथ मिले हैं मुझे, और इसके लिए स्पेशल इंटरव्यू कंडक्ट होती है जिसमें वो देखते हैं कि इंडिया का नाम ना ख़राब कर दे कोई यहाँ से बाहर जा कर के. तो ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है मेरा, और मैं बहुत खुश हूँ कि इसके दम पे मुझे वीज़ा बहुत इजीली मिल सकता है और वर्किंग वीज़ा भी बहुत इजीली मिल सकता है बाहर के लिए, और मैं बाहर भी जाके बहुत अच्छे से काम कर सकती हूँ. और आई एम वेरी हैप्पी, मतलब ये कह सकते हैं दिस द पार्टी टाइम, और मेहनत रंग लाती है. बहुत खुश हूँ. तो मुझे लगा कि बहुत लोग चाहते थे कि वो जाने कि एग्जैक्टली मेरे पास क्या है सर्टिफिकेट के रूप में, तो मैंने कभी शेयर नहीं किया, आज तक कोई वीडियो नहीं बनाई है. बट आज मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे लगा कि मैं आप लोग को बताऊँ कि ये मुझे मिला है, और मैं बहुत खुश हूँ. अब तो इसको मैं फ्रेम करके लगाने वाली हूँ. मेरे जो ऑफिस है उसमें मैं सारे मेरे सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट सारे फ्रेम करके ही लगे रहते हैं, तो ये भी लगाऊंगी मैं. ये बहुत बड़ी ज़िंदगी भर के लिए, इस पर भी लाइफ टाइम लिखा है, लाइफ टाइम लिखा है ये देखो यहाँ पे. और ये अटेस्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, और विदेश मंत्रालय से अटेस्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, और अटेस्टेड है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. ये अटेस्टेशन है यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये वाला, एंड सब डिविजनल मिनिस्ट्री का भी है दिल्ली से ये अटेस्टेशन, इंटरनेशनल कुछ भी करने के लिए. और बहुत सारे हैं, ये मेरे पढ़ने में नहीं आ रहा है, इसके ऊपर जो है वो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ कि क्या लिखा है ध्यान से, मोहर लगी होती है. लेकिन बहुत जगह से नोटरी हुई है, अटेस्टेशन हुआ है, काफ़ी पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ से ज़रूरत पड़ती है सब. आई एम वेरी हैप्पी. विदेश मंत्रालय से एक और अटेस्टेशन है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दिल्ली से है, और भी है दिल्ली गवर्नमेंट का, दो तीन मोहर है दिल्ली गवर्नमेंट का, और काफ़ी सारे हैं. मुंबई गवर्नमेंट के भी दो तीन हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट के हैं, और इंटरनेशनल है. मैं क्या बताऊँ, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये फ्रेम करना चाहिए या मुझे ये फ्रेम करना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है मुझे दोनों फ्रेम करना चाहिए. बहुत खुश हूँ मैं एक्चुअली. आज यहाँ पर अपना नाम देके बहुत अच्छा लग रहा है, शालिनी मोहन लिखा है. इसका इंतज़ार मैं करीबन 1-1.5 साल से कर रही थी, और बहुत ईगली वेट कर रही थी. कंडक्ट होते हैं इंटरव्यूज़,
देखे जाते हैं कि कैंडिडेट बाहर जाने लायक है ही नहीं है, उनको भेजना है या नहीं है। तो पता नहीं मैं बाहर जाऊंगी कि नहीं, बट जा सकती हूँ। मतलब अच्छा लग रहा है कि ये वर्ल्ड ऑथराइज रहता है जब कोई चीज़, तो आप ज़्यादा हैप्पी रहते हो। तो थैंक यू फॉर योर बिग सपोर्ट। आप लोगों का भी सपोर्ट है कि इतने ज़्यादा जो भी मैं रिसर्च करती हूँ आपके रिजल्ट मिलते हैं सारा कुछ, तो मोरल बहुत अप रहता है पढ़ने के लिए। तो जो रिजल्ट है उसमें मैं आपको भी शेयर कर रही हूँ, आपको भी बधाई दूंगी, क्योंकि आपके सपोर्ट से मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत लेती हूँ, उसके बाद पढ़ने का मौका मिलता है। वरना जो मेरी एज है उसमें लोग पढ़ते नहीं है, मतलब मोस्टली नहीं पढ़ते हैं, दूसरे कामों में बिजी रहते हैं, ना ब्रेन इतना काम करता है। बट हाँ, ये बहुत हिम्मत देता है करने के लिए ये सब। और थैंक यू सो मच। आप मुझे बेस्ट विशेस ज़रूर देना और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और गुड मॉर्निंग विश जरूर किया कीजिए जब सुबह सुबह मेरे वीडियोस आते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं एक चीज़ और बताने वाली हूँ जो मैंने नहीं बताया, अभी तक मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बट एक्चुअली इतने लोग मुझे एंजल बोलते हैं कि मैं यहाँ एंजल लिखवाने वाली हूँ। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, मुझे यहाँ टैटू करवानी चाहिए एंजल की या नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं करूँ तो लोग अप्रिशिएट करें। अगर आप मना कर देंगे तो मुझे ये कम से कम पता होगा कि यहाँ पे वो लगवाना शायद अच्छा ना हो, क्योंकि टैटू लग गया तो लाइफ टाइम रहेगा, और लोग अगर मुझे टोकने लगे क्यों करवाया तो मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है, कल संडे 3 बजे मैं लाइव होने वाली हूँ। ये फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह मैंने पहले ही से फ्लोट किया हुआ है, मैं लाइव होने वाली हूँ, तो अपने क्वेश्चन के साथ रेडी रहिएगा। 3 से 4 दोपहर में मैं लाइव होंगी, तो ज़रूर आना और अपने क्वेश्चंस दे मारना बिल्कुल मेरे ऊपर। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो पे। आई एम वेरी हैप्पी। बाय।